फाइटर मूवी ने कमाल कर दिया। ये मूवी पठान और जवान के गिरेबान तक पहुंच जाएगी। इसकी हरकत बता रही है कहां तक जाएगी, अब तक का आंकड़ा बता रहा है कि ये कहां तक जाएगी। इसके एडवांस बुकिंग की जलवा हलवा नहीं है। इतने कम समय में पहले दिन के शो के लिए 8 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लिया है। बाय सेलिंग 2,80,000 टिकट अकॉर्डिंग टू सेक निल्क। 1,25,000 टिकट हिंदी के टूटी वर्जन के लिए और 1,38,000 3D हिंदी के वर्जन के लिए। और इसके अलावा 10,000 टिकट हिंदी के आईमैक्स 3D वर्जन के लिए, जो अपने आप में एक मिसाल है। अब सवाल उठता है कि पिक्चर के ओपनिंग डे में ये हाल है तो आगे क्या होगा। इसमें दो राय नहीं है कि ये पठान और जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में ये भी हवा फैली है कि एक एक टिकट 4,000 में एडवांस बुकिंग हुई है। क्या है इस फिल्म में? ये फिल्म है पुलवामा अटैक के इर्द गिर्द घूमती हुई, जब इसके इंतकाम में एयर स्ट्राइक की गई थी और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए गए थे। इसकी कुल मेकिंग बजट है 220 करोड़ रुपया। इसके मुख्य रोल में ऋतिक रोशन है। लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। लोग इनको 25 जनवरी को बाकायदा हॉल और मल्टीप्लेक्स में देख पाएंगे। इनका साथ दे रही है दीपिका पादुकोण, जो एक्शन में हीरोइनों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। और इसके अलावा अनिल कपूर सर का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है। कुल मिलाकर ये अपना दबदबा बना के जाएगी और साथ में पठान और जवान को खा के जाएगी। लोगों का इंटरेस्ट देख के ऐसा लगता है आने वाले कई हफ्तों तक ये चर्चा का विषय रहेगी, क्योंकि इसका एडवांस बुकिंग ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म रिलीज हो रही है 25 जनवरी को। इसको बनाने वाले कौन है? अरे वही जो वार और पठान में अपना करिश्मा दिखा चुके हैं, इन पिक्चरों को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा चुके हैं। अब इसकी बारी है 25 जनवरी को। पहली पारी है ऋतिक और दीपिका की जोड़ी को और साथ में अनिल कपूर का इन्वॉल्वमेंट 2 घंटे तक बैठने के लिए मजबूर कर देगा।